हेलो फ्रेंड्स, केडीएम क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो है आज इंसेक्टिसाइड। तो पुरानी क्लास को जैसा ही मैं हर बार रिपीट करता हूँ, वैसे अभी पुरानी क्लास को थोड़ी समरी देखता हूँ मैं क्या पढ़ा और अगली क्लासों में क्या पढ़ने वाला हूँ। ये टॉपिक जहाँ तक कवर हो गया है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज कवर हो गया है। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको दिखेंगे, एवरी ईयर आपको दिखेंगे। सुनिएगा तो मैं क्या कह रहा हूँ। अब तक मैंने इंसेक्ट पेस्ट किस लेवल पे उनका अटैक होता है, किस फॉर्म में उनका अटैक होता है, कौन से ऑर्डर होते हैं, किस तरह की उनकी लाइफ साइकिल चलती है, उसके बाद में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने उस इंसेक्ट की कौन से उसके माउथ पार्ट होते हैं, माउथ पार्ट को किस नाम से जानते हैं, कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप का माउथ पार्ट रखता है। जैसे लास्ट लास्ट जो वीडियो बना था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 101% आने के चांस रहते हैं, हर बार आता है वहाँ से क्वेश्चन। आज बात कर रहे हैं इंसेक्ट को कवर करने के लिए। इंसेक्ट का अटैक हो रहा है क्रॉप पे, तो उस क्रॉप को इंसेक्ट के अटैक से बचाना चाहते हैं हम, तो इंसेक्ट के अटैक से बचाना चाहते हैं तो उसमें हम उसे मारने के लिए इंसेक्ट के साइड लेके आते हैं। साइड यानी उन्हें मारने के लिए, टू किल। इंसेक्ट को किल करने के लिए ऐसा केमिकल या ऐसा जहर जो इंसेक्ट के लिए जहर है और हमारे लिए भी जहर होगा, तो इंसेक्ट के लिए ऐसा केमिकल और पॉइजन जो यूज किया जाता है किसके लिए, इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए। आपको अगर इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करना है तो उन्हें मारना पड़ेगा, उनकी ग्रोथ को सस्टेन करनी पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए जो कवर करेंगे वो होगा इंसेक्टिसाइड। आप किसी को भी कवर करें और किसी को भी मारें या मारने से रिलेटेड एक वर्ड साइड लगाएं, जैसे इंसेक्टिसाइड। फंगस को मारना है फंजीसाइड, वीड को मारना है वीडीसाइड, चूहों को मारना है रोडेंटिसाइड। बहुत सारे एग्जांपल है, 8 से 9 टाइप है इसके कंट्रोल करने के लिए। तो साइड एक डेथ को शो करता है, साइड का वर्ड डेथ शो करता है, इसका मतलब इंसेक्टिसाइड, सुसाइड। ठीक है, ये सब क्या है, साइड यानी मारना, किल करना। तो ऐसे केमिकल, ऐसे पॉइजन जो इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनको मारने के लिए काम में लेते हैं, उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड 4 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन किस तरीके से करता है, एक्शन किस तरीके से करता है इंसेक्टिसाइड। एक्शन 4 तरीके से करते हैं। एक तो सिस्टेमिक, सेकंड स्टोमक और कॉन्टैक्ट, थर्ड स्टोमक और फोर्थ फ्यूमिगेंट। मैं एक एक के बारे में पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी। सिस्टेमिक, इसको आप सिस्टेमेटिक भी बोल सकते हो। सिस्टेमेटिक करना क्या है, इंसेक्टिसाइड का यूज देखना है, इसका मतलब इंसेक्ट को मारना है। अगर आप किसी इंसेक्ट को सिस्टमेटिक तरीके से किल करते हैं, उसकी ग्रोथ को या उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक कैसे देखिएगा, ऐसे केमिकल आए जिनको आप एग्रीकल्चर की क्रॉप में स्प्रे कर दो या उसे फ्लडिंग इरीगेशन के साथ दे दो, उसके बाद वो केमिकल उस प्लांट से एब्जॉर्ब हो जाए, चाहे उसके रूट से या सूट से, और उसके बाद में उसके पूरे सिस्टम में, उस प्लांट सिस्टम के अंदर इंटरनली चारों तरफ ट्रांसलोकेट हो जाए। उसके बाद अगर उस प्लांट को कोई भी इंसेक्ट कट करता है या उसे सक करता है, तो उस सक करने से, क्योंकि प्लांट्स का शेप अगर सक करेगा इंसेक्ट, तो वो केमिकल, वो पॉइजन उस इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद में उसको क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। वो होगा सिस्टमेटिक। तो एक सिस्टम था, एक साइकिल चली, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया, यानी कि एक एक्शन मोड है। कैसा, सिस्टमेटिक एक्शन मोड। सेकंड कॉन्टैक्ट, हमने ऐसे देखा भी है क्या कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट का अटैक है किसी क्रॉप पे, किसी पॉपुलेशन पे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे केमिकल लाते हैं जिनका स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते ही इंसेक्ट उसी टाइम पे ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है इंसेक्ट की, यानी कि ऑन स्पॉट इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी कि कांटेक्ट होते ही। कांटेक्ट होगा तो देखो उसमें होगा क्या, होगा इंसेक्ट है, इंसेक्ट के ऊपर अगर केमिकल जाएगा तो उस
वो जो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अकॉर्ड उसके सक करने से वो केमिकल अंदर जाएगा और उसे पैरालाइज कर देगा। पैरालाइज कर देगा तो वो कॉन्टैक्ट के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। स्टोमक, स्टोमक कैसे होगा? हम कुछ ऐसे केमिकल काम में लेते हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड काम में लेते हैं, ऐसे पॉइजन काम में लेते हैं जो प्लांट के अंदर, उस प्लांट के अंदर आपने उस पे स्प्रे कर दिया या उसे आपने उस बाय रूट दे दिया उसमें, वो ट्रांसलोकेट हो गया, उसमें वो केमिकल क्या करेंगे, इंसेक्ट उसे कट करके खाएगा। खाएगा, खाने के बाद में एक ईटीएल से ऊपर, एक लेवल से ऊपर अगर उसने उसे खा लिया, प्लांट पार्ट को फीड कर लिया, तो केमिकल भी उसके अंदर गया, तो एक लेवल से ऊपर तक अगर उस केमिकल का कंसंट्रेशन उस इंसेक्ट में पहुंच जाएगी तो उसके उसके स्टोमक में क्या हो जाएगा, लॉग ब्लॉक हो जाएगा, वो स्टोमक की डाइजेशन डाइजेशन लॉग हो जाएगा, आफ्टरऑल उस इंसेक्ट की डेथ हो जानी है, यानी कि वो किल हो जाना है। तो उसमें कौन सा प्रोसेस आया, स्टोमक पॉइजन। ये पॉइजन, ये दो पॉइजन हम बहुत स्पेसिफिकली लेते हैं और ये एक पॉइजन हम कॉमनली लेते हैं, ये सबसे ज्यादा काम में आता है। देखते हैं कैसे कैसे आएगा। देखना, स्टोमक हमारे समझ में आया था, फ्यूमिगेंट। कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ केमिकल ऐसे होंगे जिनको आप अगर प्लांट पॉपुलेशन को इसमें क्रॉप में अगर आप ले जाके उसे रखते हैं, या फिर वहां नहीं ले जाके गए, ऐसी जगह पे जहाँ पे उस इंसेक्ट का डैमेज हो रहा है, वहां ये गैसियस फॉर्म में जाता है, आप रख दो उस केमिकल का क्या होगा, गैस बनेगी, वो गैसियस फॉर्म में आएगा सॉलिड से, और उस गैस को जब इनहेल किया जाएगा इंसेक्ट के बस इंसेक्ट से, तो वो इंसेक्ट उसी टाइम पे मर जाएगा या थोड़ी देर बाद में मर जाएगा, वो होगा फ्यूमिगेंट, जो गैसियस फॉर्म में वर्क करते हैं। और जो गैसियस फॉर्म में वर्क नहीं करके क्या करते हैं, स्टोमक में जो कटिंग और फीडिंग करने वाले इंसेक्ट के पेट में जाके स्टोर होते हैं, और ऐसे केमिकल जो स्टोर हो के उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं, स्टोमक पॉइजन कहलाते हैं, स्टोमक इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। सिस्टेमेटिक कॉन्टैक्ट, स्टोमक और फ्यूमिगेंट, इनमें से आज हम दो को कवर करेंगे, और वैसे हो सकता है अगर टाइम रहा सही तो हम इसको अगले बार दो को भी कवर कर लेंगे। देखिएगा, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, उन दो के बारे में अपन ध्यान से समझें। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड बहुत सिंपल होगा, एब्जॉर्ब्ड इनटू प्लांट, आपने उस केमिकल को एक फिक्स कंसंट्रेशन में प्लांट क्रॉप में दे दिया, खेत में दे दिया, किसी भी फसल में उसको इरिगेशन कर दिया या उसमें स्प्रे कर दिया, ज़्यादातर हम उसे इरिगेट करते हैं जिससे वो जड़ से उसमें ट्रांसलोकेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो एब्जॉर्ब करे इनटू प्लांट एंड ट्रांसलोकेट टू होल प्लांट सिस्टम, ट्रांसलोकेट हो जाएगा वो पूरे प्लांट सिस्टम में फैल जाएगा, जिससे जिससे अगर इंसेक्ट उसे किसी भी जगह पे किसी भी प्लांट पार्ट में अगर उसे डैमेज करना चाहेगा तो ये केमिकल पूरे प्लांट में होगा, और प्लांट में होगा तो उस इंसेक्ट की डेथ होनी है। यानी सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड है वो टाइम लेने वाला प्रोसेस है। कैसे, आज आप स्प्रे करो तो 2 या 3 दिन में उसका क्या होगा, असर आएगा, वो एब्जॉर्ब होगा, 2 या 3 दिन में पूरे प्लांट में जाएगा, और फिर वो प्लांट में जाएगा तो 1 दिन में वो वहां से निकलेगा भी नहीं, तो वो फिर उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म दिखेगा आपको। तो सिस्टेमेटिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाते हैं, लंबे समय तक अपना असर रखते हैं प्लांट पॉपुलेशन में, यानी कि उससे अगर कोई इंसेक्टिसाइड आपने काम में ले लिया वो सिस्टेमेटिक है या सिस्टेमिक है, तो इसका मतलब हुआ उस वो स्प्रे करने के बाद में वो पूरी क्रॉप ही तो प्रोडक्शन लेके आ जाएगी, पर ना उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक होना, क्यों, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये हम काम में लेते हैं कैसे, वेजिटेबल्स में भी काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है, वेजिटेबल्स में इसको काम में लोगे तो क्या होगा, वेजिटेबल्स 2 महीने 2.5 महीने की होती है, वो वेजिटेबल्स कवर होके आ जाएगी जब तक वो इंसेक्टिसाइड उन किसी भी इंसेक्ट को अटैक नहीं करने देगा। तो ट्रांसलोकेट टू होल प्लांट सिस्टम इंटरनली, इंसेक्ट पेस्ट स्टार्ट डाइंग व्हेन सक द इफेक्टेड प्लांट जूस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इंसेक्ट क्या करे, इनके उस प्लांट के जूस को सक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा।
एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉस याद करें, फॉस और सिस्टॉक्स, सिस्ट सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक सिस्टॉक्स, ठीक है। तो इसे याद करने का तरीका क्या, फॉस और सिस्टॉक्स, ये तो दो केमिकल तो आपको ऐसे याद हो गए, सिस्टेमेटिक में आएंगे। फॉस मोनो क्रोटोफोस डाइक्रोटोफोस या मेटासिस्टॉक्स। अब देखो और भी एग्जांपल है, रोगर कार्बोफ्यूरॉन थीमेट एल्डिक्राब, मैंने ये एग्जांपल लिखे हैं, ये एग्जांपल ही फिक्स होंगे। हाँ जहाँ तक चांस होता है 80-90% चांस ये है कि इन्हीं में से कोई एग्जांपल मिल जाते हैं। आप बोले कि इसको कैसे याद करें, आप इसको याद करने के लिए ये याद करो कि इंसेक्टिसाइड चार तरीके से मिलते हैं हमें, चार तरह के इंसेक्टिसाइड है, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये मिले, यानी कि आपको ज़्यादातर इन्हीं के कंपोनेंट मिलने वाले हैं, इन्हीं का मार्केट मिलने वाला है। तो आप मार्केट में जब भी जाके देखेंगे तो आपको या तो ये ट्रेड नेम में मिल जाएंगे, यानी कि इन्हीं के नाम से वो केमिकल आपको मिल जाएगा, या फिर इसके अंदर वो कंटेंट में लिखा हुआ होगा। कंपनी अपना अपना नाम देती है, अलग अलग नाम चेंज करती रहती है, पर उन्हें देना यही होगा। अगर सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है तो आपको इनमें से ही कुछ देना पड़ेगा। ज़्यादातर आपको इनमें से एक दो तीन तो ऐसे भी है, जैसे रोगर है, या आपको केमिकल मिल जाता है ट्रेड के नाम से मिल जाता है। तो सिस्टमेटिक में हमारे पास दो एग्जांपल, दो और दो चार छः सात एग्जांपल याद रखने चाहिए, क्रोटो मोनो डाइक्रोटोफोस मेटासिस्टॉक्स रोगर कार्बोफ्यूरॉन थीमेट एल्डिक्राब। नेक्स्ट वन, कॉन्टेक्ट पोजिशन कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट बाई मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट, कौन कौन से एग्जाम्पल हो, बिल्कुल सिंपल हुआ, क्या हुआ, जैसे कॉन्टेक्ट में आया और वो क्या कर जाएगा, इंसेक्ट को डेथ कर जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो आप क्या करने वाले हो, देखो ये अच्छा एग्जाम्पल हुआ, बैगन बेगॉन जिसको बोलते हैं, बेगॉन मेलाथियोन थियोडेन और कार्बेरिल, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। बेगन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भैया, ऑप्शन नंबर दो में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर दो, कॉन्टेक्ट पॉइजन पूछा जाए तो बेगन ऑप्शन नंबर दो में दिखा, देखना कभी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो, क्या बेगन मेलाथियोन थियोडोन और कार्बेरिल, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद करें, क्योंकि इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट यहाँ नहीं मान के इसको सिस्टमेटिक मानता है, क्या मानता है, सिस्टमेटिक मानता है, क्यों, कार्बोफ्यूरॉन और कार्बेरिल थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज करते हैं, कार्बेरिल कॉन्टेक्ट और कार्बोफ्यूरॉन सिस्टमिक, तो ये दो इंसेक्टिसाइड आपके पास ये याद रखने वाले इंसेक्टिसाइड होंगे। अब बात करें किसकी, स्टोमक, स्टोमक कॉन्टेक्ट जो होगा वो क्या होगा, स्टोमक में एग्जांपल जो आएगा और ये फ्यूमिगेंट में एग्जांपल आएगा वो आएगा थियोफीन और फ्यूमिगेंट में आएगा एल्यूमिनियम फास्फाइड एएलपी। दो एग्जांपल आप ये भी याद रख सकते हैं, फ्यूमिगेंट एएलपी बहुत अच्छा होगा, ये स्टोमक होगा थियोफीन करके, ये आप भी ये भी याद कर सकते हैं, एक एग्जांपल इसका एक एग्जांपल इसका। मैं आपको आपको जो बोलूँगा वो यही बोलूँगा कि आप याद करके कौन सा सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट, तो ये दो आपको याद रखने होंगे, इनके एग्जांपल को जरूर माइंड करें। ये है आज की इंसेक्टिसाइड की क्लास, अब मेरी अगली फर्दर क्लास के बारे में सुने, अपन क्या करने वाले हैं, इंसेक्टिसाइड को ये कवर हो गया, अब इंसेक्टिसाइड को हम डिवाइड करेंगे एग्जाम्पल बेस, यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट बनने वाला है। देखो आपने अगर इस पर ट्राई भी किया होगा तो आपको ये जल्दी से याद नहीं हो रहा, रीज़न हम उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे थे। अब हम ऐसा करते हैं, इसको ये याद रख लें, इंसेक्टिसाइड चार टाइप के मोड ऑफ एक्शन होंगे, उनमें से ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इंसेक्टिसाइड कैसे बनते हैं, यानी कि उनके कंटेंट क्या क्या बनते हैं, फिर किस फॉर्म में बनते हैं, फिर किस फॉर्म में मिलते हैं, और फिर वो किस फॉर्म में यूज लिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड आगे के टॉपिक होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसे ये टॉपिक है इसको बिल्कुल माइंड करें, एक बार ज़रूर देखें, देखने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लग रहा है वो आप ज़रूर शेयर करें मुझे, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। Thank you so much.